ऑडियो मनु ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और तो हम अब एक एक प्यारा से प्यारा ब्लॉग लाते जाएंगे क्योंकि हमारे है यहाँ पे शादी। तो गाइस अगर बना पाई तो वीडियो तो शादी का आपको ब्लॉग बताएंगे सभी। तो यहाँ पे पड़ोस में शादी है जस्ट सामने अपने, मैंने कैमरे में इससे आपको दिखाऊंगी, देखो इसी ब्लॉग में बने रहना। तो आज देखो उन कुआपूजन भी है क्योंकि उनके बच्चा हुआ था, तो अपने गिट्टी से 2-3 महीने छोटा है शायद, तो उसका कुआपूजन है उनका अभी शादी के साथ साथ। तो कुआपूजन जाएंगे हम, 2 बजे का कुआपूजन का मुहूर्त है, तो वो ब्लॉग देखने को मिलेगा इस ब्लॉग के अंदर, बाकी और ब्लॉग कंटिन्यू आते रहेंगे। और मैंने देखो सुबह सुबह मैं क्या काम कर रही हूँ, शादी है फिर भी, तो देखो मैंने ये पार्सल लगाए हैं। तो गाइस देखो मैंने शर्ट बनवा के सिलवाई है देखो दीदी के लिए, है ना। और देखो ये वाली गोदनी बहुत ही प्यारी सी है, ये सबसे ज़्यादा ऑर्डर हुआ है इसका भी। और ये डेली यूज की गोदनी है कॉटन में, और ये उनका ब्लाउज है, ये एक के ही है अभी तक तो, ये वाले ये किसी और की है, ये एक के ही है। ये वाली होड़नी रेड कलर की बहुत प्यारी है, और देख लो ये भी किसी की है, और ये उन्हीं की है। ये रामा कलर का लहंगा है बहुत प्यारा सा, और ये होड़नी है उनकी, ये वाली है ना। और एक ये उनकी होड़नी, ये भी गोटा पत्ती का पूरा काम है, बहुत ही हैवी है, बहुत प्यारी है। और देखो ये मिक्सी की ये चूड़ा बहुत प्यारा है, वैसे फोटो में आ नहीं रहा क्योंकि इसकी चमक है ना, तो चमक से दब जाता है, मतलब कैमरे से चमक दब जाती है, पर ये बहुत ही प्यारा चूड़ा है। तो दिल्ली में वहाँ पे लाख वाली चूड़ी मिलती नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से, और दीदी अकेली रहती है तो वो जाती भी नहीं है, इस वजह से मैंने यहीं से पैक करके भेज रही हूँ, बस ये सही सलामत पहुँच जाए वहाँ पे ठीक है। आपको पता है ना पार्सल कैसे जाते हैं। और मैं उनके लिए चिटकी बुलाई थी चांदी की, है ना, पर वो मैंने रख दिया अंदर, देखो मैं दिखा देती हूँ पर आप सबको, ये रखी प्यारी सी है देखो, क्योंकि अलवर में अच्छी मिलती है वैसे चिट्ठी वगैरह, तो देखो ऐसे छोटी सी पॉकेट में बहुत प्यारी सी है। तो चलो मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार, देखो देखो गाइस कितनी प्यारी है ना, बहुत ही अच्छी डिजाइन है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, मेरी पसंद की थी, इतने बोला आप अपनी पसंद से भेज देना, मेरी पसंद तो मैं पहनती रहती हूँ, मैंने अपनी पसंद से ली है। और एक कितने की है मैंने बिल भी रख दी है, मैं देख लेती हूँ बिल को, तो ये दीदी देख लेगी बिल बिल तो ठीक है गाइस, तो मैं इनको रख देती हूँ इसके बीच में ताकि ये हो जाए सही सलाह में, देखो मत लेना कोई वीडियो देखने वाला, तो ठीक है मैं कर देती हूँ इसको वापस रखें। तो ठीक है गाइस, तो ये तो पैकिंग तो हो चुकी है आज की, तो इनको मैं वैसे पॉलोथिन में रख दूंगी, बाकी बने रहना ब्लॉग में, तो हम हो जाते हैं रेडी ठीक है। मेहंदी वगैरह लगाया नहीं है, सो उस तरह की आज शाम को लगाया हम, ताकि कल के लिए रेडी हो जाएंगे, तो ठीक है बने रहना ब्लॉग में। तो आज को अपोजिट के ब्लॉग के लिए होते हैं हम तैयार कम्प्लीट ठीक है, कौन सी ड्रेस पहनते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा ब्लॉग में। और वीर जी क्या पहने वाले, वीर जी भी आपके पास फैशन होने वाले हैं फुल, देखो जूते वूते लगा रहे, चलो वीर जी जूते लगा दीजिए आपके पास, देखो गाइस गाइस हमेशा ऑर्डर करते हैं ना, तो हमेशा आते नहीं है शादी से पहले, अब मतलब कोई भी प्रोग्राम से पहले, पर अब क्या पहली बार सही एक दिन में डिलीवरी कर दिया है ना। तो जी वाले तो कैसे लगे आपको बताना, पूमा के है बहुत प्यारे हैं। तो अभी जी सेट वगैरह भी हैं, तो वो पूरा लुक देखने को मिलेगा, पूरा नहीं दिखाएंगे फिर आप ब्लॉग में क्या देखेंगे तो ठीक है गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में रेडी होके काम वाम करके फिनिश करके ठीक है। तो गाइस मनोज जी कर रहे हैं दादा को तैयार, और शादी में जाएंगे इस वजह से, तो उन्होंने बाकी कपड़े फेर चुके हैं, अब जो ड्रा फहरा रही हैं एकदम अरे बेटी बेटी बेटी, और इधर है ना कानू है ना जो नंगो बैठे, देखो देखो मुझे परेशान कर रहा है बेटी छोड़ दे इनको, ये भी नंगा है, इसका भी कपड़े चेंज करने हैं, देखो 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 देख क्या क्या कर रहा है। तो दादाजी तो पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं गाइस, एकदम फर्स्ट क्लास, और अभी हमारा रेडी होने बाकी रह रहा है, देखो हमारा पूछा ये दूर पड़ा इधर चलिए। तो गाइस हम जा रहे हैं कुआ पूजन में, शादी साथ साथ कुआ पूजन भी हो रहा है, देखो टेंट वगैरह भी रेडी हो रहा है, तो इधर से रुको I'm
देखो। थोड़ा घूंघट पीछे, घूंघट पटियो इस बार भाभी बंद ना हो देखो। चलो सब वो आ गई आ गई आ गई आ गई।